से कांग्रेस से भैरव सिंह परिहार बापू को मिला टिकट, नगर आतिशबाजी कर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। नवरात्र पर्व के प्रथम दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सुबह 9 बजे से 144 विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें शीर्ष नेतृत्व द्वारा सुसनेर विधानसभा 165 से भैरू सिंह परिहार बापू पर एक बार फिर विश्वास जताया। भैरू सिंह बापू लगातार क्षेत्र में पिछले विधानसभा चुनाव हारने के बाद लगातार सक्रिय बने हुए थे, इसी वजह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन पर विश्वास जताया। जैसे ही कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा का पता सोशल मीडिया के माध्यम से लगा तो ऐसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भैरू सिंह परिहार बापू टिकट मिलते ही नलखेड़ा की प्रसिद्ध बगला मुखी मंदिर आशीर्वाद पाने पहुंचे। उसके बाद सुसनेर जब कांग्रेस कार्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यालय पर आतिशबाजी कर बापू को मिठाइयां पुष्पमाला पहनाकर टिकट मिलने की शुभकामना दी। इस अवसर पर भैरू सिंह परिहार के साथ जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष बंसीलाल पाटीदार ने भी बाकी सभी उम्मीदवार जो विधानसभा का टिकट मांग रहे थे उनके लिए क्या कुछ कहा मीडिया की प्रेसवार्ता में, आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। टिकट मिलते ही पहली बार कांग्रेस प्रत्याशी बापू ने सुसनेर में वंदे भारत से संवाददाता दीपक राठौर की रिपोर्ट में दंत कांति से हमने करोड़ों लोगों को दांतों की लंबी उम्र का वरदान दिया। वही दंत कांति एडवांस है दांतों की सुरक्षा का ब्रह्मास्त्र। दंत कांति एलोवेरा तथा दंत कांति मेडिकेटेड है दांतों की सेंसिटिविटी का साइंटिफिक सॉल्यूशन।